उदयपुर जिले की गौतम विलास थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में किया बड़ा खुलासा। कुआं से मोटरसाइकिल हुई बरामद, 2021 में हुई थी गुम। जी हां, आपको बता दें उदयपुर जिले की गौतम विलास थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 2021 में गुम हुए वाहन को पुलिस ढूंढ लाई है। जी हां, गौतम विलास थाना पुलिस ने वाहन चोरों का खुलासा करते हुए एक विधि से संघर्ष बालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि प्रार्थी कन्हैयालाल पिता उदयलाल उम्र 45 वर्ष सेक्टर 14 निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी जो वाहन है 7 अप्रैल 2021 को प्रार्थी की मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी, जिस पर कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। इस संबंध में उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना गौतम विलास ने पुलिस छानबीन की, जिसके आधार पर विशेष टीम गठित की गई। घटनास्थल के आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी चेक किए गए। आसूचना व परंपरागत तरीके से पुलिसिंग के अनुसार आसपास के क्षेत्र में नवीन सक्रिय बदमाशों की पहचान की गई, जिस पर एक संदिग्ध बालक को डिटेन किया जाकर पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा एक अन्य विधि संघर्ष बालक मित्र के साथ मिलकर पुलिस थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। टीम में संजीव स्वामी थानाधिकारी, ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल, गणेश सिंह हेड कांस्टेबल, दिनेश सिंह कांस्टेबल, भगवतीलाल कांस्टेबल, लोकेश रायवल साइबर सेल, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ से छोड़ दो, पीछे वाली जगह छोड़ दो, आगे वाले खींचो, ये रस्सा निकालो, आप तो खाली आगे खींचो, बस आगे खींचो।